नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। ईरान मिडल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो लगभग 40 सालों से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा है। वजह इस्लामिक क्रांति से आया बदलाव और शाह को सत्ता से रुखसती ने ईरान को मिडल ईस्ट से अलग थलग करने पर मजबूर कर दिया है। 21वीं सदी में अगर किसी देश को सीधा यूरोपियन देशों से पंगा रहा है तो वो ईरान ही है, जिसने समय समय पर शालीनता के साथ यूरोपियन संघ को जवाब भी दिया और धीरे धीरे पड़ोसियों से विवाद के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खुद पर भी ध्यान देता रहा। इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ते हुए आज हम आपको ईरान के बारे में बताने वाले हैं, जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल इसराइल के हिजबुल्ला पर हमले के बाद ईरान जोरदार पलटवार किया है और अब दोनों ही देश इंतकाम के लिए अड़े हुए हैं। ये वही ईरान है जहां कभी पहलवी राजवंश के शासन के दौरान आधुनिकता की चमक दमक दिखती थी और महिलाओं के तमाम तरह की आज़ादियां थी। फिर हुई इस्लामिक क्रांति और एक नई शासन व्यवस्था शुरू हुई है, जिससे समझ पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। आज ईरान में सत्ता का सर्वोसर्वा है, वहाँ का सर्वोच्च नेता होता है, जबकि वहाँ चुनी हुई संसद और राष्ट्रपति भी होते हैं। ये दोनों शासन तंत्र के एक साथ मिलकर कार्य किया करते हैं। आइए जान लेते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति होने के बाद भी सर्वोच्च नेता क्यों होता है आखिर। दरअसल जंग का फैसला कौन लेता है और इस पद का इतिहास क्या कुछ है, ये किन किन देशों के अंदर सर्वोच्च पद की परंपरा रहा है। दरअसल साल 1989 से पहले की बात है कि ईरान के शासन व्यवस्था राजतंत्र के अधीन थी। वहां पर एक राजा होता था और इसके साथ ही सत्ता चलाने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता था। ये कुछ कुछ ग्रेट ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था के तरह है, जहां पर किंग और क्वीन के साथ चुनी संसद और प्रधानमंत्री के अधीन शासन व्यवस्था हुआ करती है। तब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था और इसे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का वर्दस्त मिला हुआ था। ईरान के कट्टरपंथी नेताओं को ये रास भी नहीं आया और उन्होंने नेताओं में से एक थे आधुनिक ईरानी शासन व्यवस्था के संस्थापक आयतुल्ला रहल खुमैनी। एक वक्त ये भी था कि जब ईरान में आंदोलन हो रहे थे और देश और विरोधी गतिविधियों में आरोप लगाकर खुमैनी को देश निकाल दिया गया था। फिर साल 1989 में इस्लामिक क्रांति हुई और तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तख्ता पलट हुआ और नई शासन व्यवस्था शुरू हुई, जो कट्टरपंथी और विकास दोनों के ही मुद्रित थे। इस शासन व्यवस्था के तहत ईरान में एक सर्वोच्च नेता का पद बनाया गया। इस पद पर खुद खुमैनी आसीन हुए और साथ ही आधुनिक ईरानी गणतंत्र को चलाने के लिए संसद और राष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई। तभी से ईरान में सर्वोच्च पद की व्यवस्था चली आ रही है और इस पद पर अब तक दो ही लोग पहुंच सके, एक खुद खुमैनी थे और दूसरे वर्तमान सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी। साल 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई सर्वोच्च नेता के पद पर पहुंचे हैं और तब से सत्ता पर मजबूती से जमे हुए। ईरान की वर्तमान राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च नेता पद सबसे ताकतवर है और सर्वोच्च नेता ही ईरान की सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है और उसी के पास सभी सुरक्षा बलों का कंट्रोल भी होता है। यानी कोई जंग होगी या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास होता है और इसके अलावा वही न्यायपालिका के प्रमुखों, ईरान की एक और प्रभावशाली संस्था गार्डियन काउंसिलिंग के 50% सदस्यों और शुक्रवार को होने वाली खास नमाज के नेताओं और सरकारी टीवी के साथ रेडियो नेटवर्क के प्रमुख की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च नेताओं के अधीन ही दानास्त संस्थाएं जो अरबों डॉलर वाली ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को भी कंट्रोल करती। जहाँ पर एक राष्ट्रपति की बात है और इस पद के लिए 4 साल के अंदर चुनाव होता। ईरान के संविधान के मुताबिक ईरान में राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पद होता है और कार्यकारिणी के प्रमुख रूप में राष्ट्रपति का जिम्मा होता है कि संविधान का पालन करवाएं। विदेश नीति से लेकर देश के आंतरिक नीति तक में उनका काफ़ी ज़्यादा दखल होता है। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों पर आखिरी फैसला सर्वोच्च नेता ही लेता है। ईरान में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बारी राष्ट्रपति बन सकता है और ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वालों के लिए 12 धर्मशास्त्रियों और कानूनों के विशेषज्ञों के सवा गार्डियन काउंसिलिंग की मंजूरी लेनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। ईरान की संसद में 290 सदस्य होते हैं और इनका चुनाव भी हर 4 साल में किया जाता है। संसद के देश के लिए कानून बनाती है और वार्षिक बजट के पास करने और खारिज करने का अधिकार संसद के पास ही होता है। हालांकि संसद में बने कानूनों को गार्डियन काउंसिल की मंजूरी लेनी होती है और संसद के पास राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों के सम्मन करने का भी हक होता है। यानी कि राष्ट्रपति और मंत्री संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं और इसके खिलाफ संसद में महायोग भी चलाया जा सकता है।
ईरान में एक गार्डियन काउंसिलिंग होती है और इसके सदस्य 6 धर्मशास्त्री होते हैं और इनकी नियुक्ति सर्वोच्च नेता ही करते हैं और इसमें से 6 न्यायाधीश भी होते हैं जिनको न्यायपालिका मनोनीत करती है। इन 6 सदस्यों के नामों पर संसद की मोहर जरूरी होती है और सदस्यों के कार्यकाल 6 साल का लेकिन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। ये कुछ कुछ भारत के अंदर राज्यसभा की तरह होता है और गार्डियन काउंसिलिंग के सदस्य भी हर 3 साल में बदलते रहते हैं। गार्डियन काउंसिलिंग सदस्य के पास सभी कानूनों को मंजूरी देने और रोकने की क्षमता होती है और इनकी मंजूरी के बाद ही कोई उम्मीदवार संसदीय और विशेषज्ञों की समिति के लिए चुनाव में हिस्सा ले सकता है। दूसरे देशों के अंदर भी सर्वोच्च नेता के पद की बात करें तो शायद किसी देश में ऐसा हो। यूनाइटेड किंगडम में किंग या क्वीन को इसके समक्ष माना जा सकता है और ऐसे ही कई और देशों में भी राजतंत्र और लोकतंत्र मिलकर सरकार चलाते हैं। चीन में सर्वोच्च नेता की अवधारणा तो नहीं है पर वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आजीवन पद पर बने रहेंगे और रूस और अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति ही शासन का प्रमुख होता है पर भारत जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ईरान की लोकतंत्र और राजशाही के बारे में आसानी से जान गए होंगे और छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलती रहेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।